नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi 9 Active वर्सेस Xiaomi Redmi 9 Prime का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi 9 Active में 6.49 इंच जबकि Redmi 9 Prime में 6.43 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Redmi 9 Active से कम है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Redmi 9 Active में 0.35 इंच जबकि Redmi 9 Prime में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi 9 Active में 194 ग्राम्स जबकि Redmi 9 Prime में 198 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Redmi 9 Active में 20:9 जबकि Redmi 9 Prime में 19:5:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.53 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Redmi 9 Active में 720x1600 और Redmi 9 Prime में 1080x2340 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi 9 Active में 81.08% जबकि Redmi 9 Prime में 83.06% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi 9 Active में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Redmi 9 Prime में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi 9 Active में दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi 9 Prime की बात करें तो इसमें चार कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Redmi 9 Active में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Redmi 9 Prime की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Redmi 9 Active में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Redmi 9 Prime में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Redmi 9 Active में Power GE8320 जबकि Redmi 9 Prime में Mali G52 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi 9 Active में MediaTek Helio G35 और Redmi 9 Prime में MediaTek Helio G80 मिलता है। बात करें RAM की तो Redmi 9 Active में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि Redmi 9 Prime में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Redmi 9 Active में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Redmi 9 Prime में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V10 क्यूट देखने को मिलती है। बैटरी Redmi 9 Active में 5000 mAh जबकि Redmi 9 Prime में 5020 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Redmi 9 Active में 3 कलर्स जबकि Redmi 9 Prime में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi 9 Active में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 9,499 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें Redmi 9 Prime की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो Xiaomi Redmi 9 Active में एक फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi 9 Prime की तो उसमें 4 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Redmi 9 Prime आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 Power है जो कि 13,499 रुपए में मिलता है। दूसरा Samsung Galaxy M12 है जो कि 14,390 रुपए में मिलता है। तीसरा Samsung Galaxy F12 है जो कि 11,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Nokia C30 है जो कि 10,689 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।